अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपना ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैंने कहा अभी जो है थोड़ा सा बना लेती हूँ। वो इस वजह से कि सर्दी इतनी तेज़ हो रही है कि इतनी सुस्ती हो रही है, कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। खाना वगैरह भी मैंने अभी जाके बनाया है, तो मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि जो इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी चाहत देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इंतज़ार होता है उनको भी। तो मैंने कहा छोटा सा जो है मैसेज दे देती हूँ मेरी एक सिस्टर के लिए। उन्होंने जो है मुझे कमेंट किया है कि आप अपने बेटे को जो है कपड़े वाले झूले में नहीं सुलाया करें सर्दियाँ इस वजह से। तो सिस्टर उसकी जो है इतनी आदत वो हो गई है ना कि वो जैसे वो चारपाई वाला जो झूला होता है उसमें जो है वो सोने की जो है मतलब उसकी आदत बनी हुई है। तो जिस झूले में आपने वीडियो में भी देखा है कि जिसमें ये सोता है, इनके बाबा ये ख़ुद बना के लेके आए, तो उसी में जो है मैं सुलाती हूँ उसको, और वो सोता ही नहीं है उसको, उसमें सुला के मैं सुला के छोड़ नहीं देती हूँ। जब वो सो जाता है तो फिर मैं उसको झूले में से निकाल लेती हूँ, निकाल के उसके बाद जो है फिर मैं बैठ के सुलाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत तंग करता है, चाहे आधी रात भी हो जाएगी ऐसे नहीं सोएगा जब तक कि मैं उसको झूले में नहीं डालूँगी। झूले में जैसे उसको नींद आ जाती है फिर मैं उसको निकाल के फिर उसमें से फिर बैठ के सुलाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये जो झूला है इनके बाबा ख़ुद बना के लेके आए हैं, क्योंकि चारपाई जो है मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं है, तो इन्होंने ये ख़ुद अपने हाथ से जो है इसको बनाया है। ये देखें झूला रुकता है फिर उठ जाता है, जब सो जाता है गहरी नींद हो जाती है उसके बाद जो है मैं इसको निकाल के बेड पे सुला देती हूँ। बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया है, अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं, अभी ये सब मोबाइल देखने में लगे हुए। मम्मी क्या है दिखाओ, तुम्हें क्या है? सबर तंग किया हुआ है, क्या हो रहा है? सोना नहीं है? हाय, कैसे हैं विवान? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक होंगे? आपकी कौन से? हम भी ठीक है। इतना गुस्सा हुई, बस 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 बस। आज जो है मैंने इनसे कपड़े धुलवाए माविया की वजह से। मजा आया कपड़े धोके? हाँ मजा आया, लेकिन अभी तक धुले नहीं है, लाइट आएगी, अभी एक मशीन बाकी है। अच्छा, मजा आता है ना धोने में? है मजबूरी में मजा आता है, आता है, चल अच्छी बात है। अब आपसे ही धुलवाने चाहिए, माविया ऐसे मुझे रोज तंग किया करो, इनसे धुलवाऊंगी कपड़े। सही है, माविया रोज रोएगा, आप धोके दीजिएगा। मैंने घर पूरे घर वालों के कपड़े नहीं धुलवाए, मैंने सिर्फ माविया के कपड़े और इनका यूनिफॉर्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, रो रहा था, इस वजह से जो है मैंने इनको मैंने कहा कि आप जाके धो लें, और मेरी ख़ुद की भी हिम्मत नहीं होती, इतनी मुझे सर्दी लग रही थी, क्या हाय हाय लगाया हुआ है। तो इस वजह से जो है आज मैंने इनसे कपड़े धुलवाए हैं, और अभी तक धुले नहीं है, धो अभी मशीन लगी हुई है। मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत धुंधली लग रही होगी, वो इस वजह से कि लाइट नहीं है, हमारी लाइट जा चुकी है, इसलिए जो है बहुत अंधेरा अंधेरा सा जो है ना लग रहा है, और अभी जो है बैटरी वाली लाइट जल रही है। आप लोग इतना प्यार देते हैं कि जो है ना जितनी भी हिम्मत हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी ये होता है कि जाहिर सी बात है हमारे चाहने वाले जो है इतनी चाहत देते हैं, तो फिर छोटा सा जो है व्लॉग हमें बनाना ही चाहिए। इंतज़ार होता है कि जो है ना आज व्लॉग क्यों नहीं बना, क्यों नहीं आया। आप लोग जो है इसी तरह ही इतनी चाहत दें, इसी तरह मोहब्बत दें, दुआओं में याद रखें, दुआएं दें, और जल्दी से जल्दी जो है 1K मेरे पूरे करवाएं रमज़ान से पहले पहले। मैं बोलती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि जो है ना आप लोग अगर प्यार देंगे, साथ देंगे, तो इंशाल्लाह चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 6 महीने तो तकरीबन हो चुके हैं, अब तो 1K हो जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी जो है 1K पूरा करें, ताकि मैं जल्दी से केक काटूं 1K का। तो मैंने माविया को जो है सुला दिया है, सो गया है, स्माइल कर रहा है नींद में। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माविया हंस रहा है।